तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पर एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक न्यू डॉग ओनर हो या फिर न्यू पपी लेने जा रहे हो तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, उसके कारण उनको पछताना पड़ता है और ख़ास करके जो पप्पीज है वो आपका जो है मर भी सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है उसके कारण, या फिर आगे जाके जो है हेल्दी बोल सकते हैं आप, हेल्दी डॉग ब्रीड चाहिए आपको, वो आपका डॉग नहीं बन सकता है। तो यही पॉइंट आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यू डॉग ओनर होते हैं तो उनको क्या एकदम जल्दी से जल्दी डॉग चाहिए होता है। तो ऐसे में उनके आजू पड़ोस में या फिर कहीं भी एक फीमेल डॉग अगर बेबीज देती है या फिर वो मार्केट में जाते हैं या फिर डॉग शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे जो होते हैं सेल करने वाले होते हैं उनके पास भी काफ़ी छोटे बच्चे होते, कभी कभार 25 दिन के होते, 20 दिन के होते। तो ऐसे में जो लेने वाले होते हैं न्यू डॉग ओनर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं या फिर क्या पता क्या प्रूफ करना चाहते हैं तो वो पपीज़ को उठा के ले कर चले जाते घर पर। जैसे कि इतना छोटा पपीज़, उसका पेमेंट भी कर देते हैं, उसको लेके जाते हैं, बट आगे जाके उसको संभाल नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इतने पपीज़ को क्या खाने को दे, और उसकी आंखें भी खुली नहीं होती जो नई पपीज़ की, और वो पपीज़ को पता भी नहीं होता है कि कहाँ जा रहा है क्या करे। कभी कभार आँखें बंद होने के कारण यहाँ वहाँ चलता है तो उसके कारण वो कहीं भी लग जाता है, उसको चोट भी लगती है ऐसे के कारण, और जो खाना होता है जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो भी नहीं मिलता। तो आगे जाके फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको जो बाहर के जो मिल्सर रिप्लेसर बोल सकते हैं आप, या फिर पपीज़ के लिए जो आते प्रोडक्ट वो उसे खिलाते हैं, वो उसे पिलाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि इससे इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी। कोई भी अगर न्यू डॉग ओनर हो या फिर 25 दिन का या फिर 30 दिन का पपी ले रहा है तो उनकी गलत फहमी है। एटलीस्ट जो पपी से 35 डेज़ का होना ज़रूरी है। अगर वो 25 दिन का 20 दिन का आप लेते हो तो क्या होता है, जो उसके मदर मिल्क उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बाहर के जो सप्लीमेंट होते हैं उससे आप सोचोगे कि उसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन आएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा हो तो थोड़ी दिन आप टाइम लीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही ले लेते हो तो फिर आगे जाके उसको जो आप बोल सकते बाहर की बीमारी है उसको जल्दी से हो जाएगी, वेदर चेंज हो जाता तो वैसे ही आपका डॉग बीमार पड़ने लग जाएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपके पप्पीज को होना चालू हो जाएगी। और ख़ास करके जो पप्पी की कंडीशन है वो भी काफ़ी ख़राब हो सकती है अगर आपको उसको बराबर संभालना नहीं आता है तो। और साथ साथ में जो उसकी इम्यूनिटी शक्ति होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, और जो कुदरत ने माँ उसको माँ के लिए जो बनाया होता है, माँ जो करती है वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि आप भले रात भर जागते हैं उसकी केयर करते, जैसे वो टॉयलेट कर देता है या फिर वो कुछ भी करता है तो आपको साफ़ करना पड़ेगा, और आपसे इतनी केयर तो ज़रूर से नहीं होगी जितनी वो माँ करती होगी उसकी। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एटलीस्ट 45 डेज़ का हो जाए तभी आप लेके आइएगा घर पे, या फिर 35 डेज़ का भी चल सकता है, या फिर एटलीस्ट लास्ट तक आप 30 डेज़ का भी लेके आ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस, आप 5 या 6 दिन वेट करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डायरेक्टली आप ऐसे मत लीजिएगा। और जैसे कि जो डॉग्स के लिए बोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो ग्रो करने में जो मिल्क का जो आता है, मिल्क में जो न्यूट्रिशन होता है, कैल्शियम होता है, वो आप बाहर से कहीं से भी नहीं ला के दे सकते, वो नेचुरली कुदरती होते हैं जो गॉड गिफ्टेड आप बोल सकते हैं, तो वही होता है जो। तो आप बाहर से कहीं भी कितना भी आप खर्चा करो या फिर आप उसे केयर करो, जितनी उसकी माँ केयर कर सकती उतना आप नहीं कर सकते केयर, उसको चाटना, गर्म करना, क्योंकि जो मदर के आसपास अगर बैठता है तो नेचुरली गर्म रहता है पपी, वो आप अपने कंबल से भी उसको गर्माहट नहीं दे सकते, और जो गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हो तो उसका उसमें क्या होता है, उसके सांस घुट जाएगी, उसका दम घुट जाएगा। तो ऐसे में पपी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, वैसे पपी के सामने जाके बाउल में जो दूध रख देंगे या फिर कुछ और रख देंगे, अरे उसको दिखता ही नहीं है, उसकी आँखें खुली नहीं तो कैसे पी पाएगा। तो जो मदर कर सकती है वो आप नहीं कर सकते, तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो ऐसे आप कभी भी गलती मत करना, और ऐसे कभी भी कोई भी पपी को आप घर पे मत लेके आइएगा। अगर आप स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट कर रहे हो तो भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, एटलीस्ट उसको 35 या 45 डेज़ का होने दीजिएगा, फिर आप लेके आइएगा तो बेटर रहेगा। फिर आप देख सकते हो उसकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर ऐसे में क्या होता है, वो अगर वो माँ का दूध पीता है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं, उसकी जो शरीर की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बालों की शाइन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ये मेरी रिक्वेस्ट आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ऐसे ही कभी भी आप एक कोई भी डॉग मत खरीद लीजिएगा, ऐसे छोटा पप्पी अगर आपको कोई दे भी रहा है तो भी मत दीजिएगा। कभी कभार कभी क्या होता है, कोई सेल करने के लिए आपको दे देता है, बट आप समझदार है, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।